नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होते जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 2 से 3 दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर निर्णय ले लिया जाएगा। इसको लेकर सर्वदलीय बैठक होगी। इसमें क्या कुछ निर्णय निकल के आता है वो तो समय पर आने पर पता चल जाएगा। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला और प्रखंड का नाम है बेरो और पंचायत का नाम है केसा और यहाँ के मुखिया है अंजू कच्छप जी। चूँकि ये एक टर्म नहीं, 2 टर्म से है, मतलब जब से पंचायत समिति का गठन हुआ या पंचायत संगठन का गठन हुआ तब से ये मुखिया हैं, 2 टर्म से हैं। इनके द्वारा 2 टर्म से जो भी डेवलपमेंट का काम किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने लोगों को शौचालय बनवाए, राशन कार्ड बना, पेंशन मिला, ऐतिहासिक क्या कुछ काम हुआ, 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में इनका कैसा कार्यकाल रहा, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। पहले तो आपको वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। अच्छा ये बताइए, जनता आपको 5 साल के लिए समय दिया था, इन 5 सालों में आपने क्या कुछ विकास का काम किया है, चूँकि आप 2 टर्म से हैं? हाँ, विकास तो मैंने बहुत किया है। बहुत गरीबों का राशन कार्ड बनवाया है। लगभग मेरा पंचायत में 1500+ राशन कार्ड है। 1500+ राशन कार्ड? हाँ, 1500 मतलब एक टर्म में या दोनों टर्म। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिलवाए? दोनों टर्म मिला के प्लस में 500 आसपास है। 500 दोनों टर्म मिला? दोनों टर्म। शौचालय कितना बना? 900 बना है। अच्छा ये बताइए कि चूँकि खुद महिला हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ आपने कोई समिति का गठन किया है, क्योंकि महिला अपने आप को आत्मनिर्भर कर सके, इसके लिए कोई समिति है या कोई संस्था है? समिति हर महिला में, अभी तो महिला समिति में दिया जा रहा है। हर महिला को 5 डिसमिल में खेती करने के लिए, उसमें भी तरह तरह का थोड़ा थोड़ा खेती और बीज दिया जा रहा है। पैसा मनरेगा से पेमेंट किया जा रहा है, उसमें भी महिला भी बहुत अभी शिक्षित होते जा रही है, बहुत कर रहे हैं तो, और बहुत महिला को करने का भी इच्छुक है, लेकिन सबको एक ही बार जोड़ा नहीं गया है। धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे सबको। ये केवल पंचायत में एक कमेटी गठित किया गया है कि हर वार्ड वाइज, गांव वाइज में एक गांव में लगभग 15 समिति बना, 15 या 20 जैसा गांव रहता है वैसा ही गांव उसी हिसाब से समिति बनाया जाता है जी। उसमें एक समिति में 12 या 15 महिलाओं की समिति बनाया जाता है। उसी में से महिलाओं का ज्यादा नहीं है, अभी 5 डिसमिल का दिया जा रहा है। 5 डिसमिल जा रहा है, वो अपना खेती बाड़ी कर सके, अपना आंगन जैसा रहेगा उसमें खेती कर सकता है, थोड़ा थोड़ा खाने लायक जो भी हो सकता। ये बताइए, चूंकि आपके कार्यकाल 2 टर्म से रहा, कोई ऐसा काम बताइए कि जो आपने किया ये आपके नजर में लगे कि ये मैंने जो किया है जब से देश आजाद हुआ या जब से बिहार झारखंड अलग हुई, तो सरकार के द्वारा गठन नहीं हुआ, आपके द्वारा वो विकास किया गया? सरकार के द्वारा बहुत, हम लोग जैसे मंत्री हो गए, विधायक हो गए, उन लोग से भी बहुत हम लोग लेटर उडर भी बना के फिर हम लोग विकास के लिए, जैसे धार्मिक स्थल हो गया, जैसे एक हम लोग का है कमावन शेड हो गया है, उसमें हम दोनों टर्म में हम सेकेंड करके पूर्ण कर दिया। और हम लोग का पूर्वज लोग का है जो ST लोग का है, अखाड़ा जो बोलते हैं, वो भी मैंने बनवाया है। 6 मतलब दोनों टर्म मिला के 6 अखाड़ा बनवाया? हाँ, 6 अखाड़ा बनवाया। अच्छा ये बताइए कि चूंकि आपका कार्यकाल जो है 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, तो अगर पंचायत की विकास की अगर बात करें तो बेहतर कौन सा दिख रहा है आपको? दोनों टर्म में ठीक पैसा तो ठीक आया है, लेकिन जैसे इधर कोरोना काल हुआ तब से हम लोग को थोड़ा सा विकास के दिक्कत नहीं, वो तो सबका है। जैसे आप मुखिया हैं, MP MLA जितने भी हैं, सबके जो फंडिंग आता है उसमें भी कटौती किया गया है क्योंकि कोरोना काल है। अच्छा ये बताइए, कोरोना काल में आपका क्या योगदान था, कैसे आपने वो देखा? कोरोना काल में जैसे गांव में तो यहाँ तो अधिकतर कोरोना का उतना शिकायत नहीं था, लेकिन भी मेरा गांव में, एक गांव में हुआ था तो वहाँ जैसे किसी किसी को वहाँ तो कर्फ्यू लग जाता था, तो बहुत
गरीबों को सहायता भी किए, किसी को चावल जो भी जरूरी लगता था वो लोग को फोन से ही हम लोग ये कर देते थे, दे देते थे। मतलब जो जरूरतमंद है उनको आप लोग राशन पानी सैनिटाइज मास्क वगैरह प्रोवाइड कराते थे। क्योंकि अब चुनाव आने वाला है तो आगे की क्या रणनीति सोचे है कि अगर जनता दो बार मौका दी, तीसरी बार मौका दे, इसके लिए आपने कुछ मैनिफेस्टो बनाया, कुछ सोचा होगा कि अगर जनता हमें तीसरी बार मौका देती है तो मैं ये विकास का काम करूँगा। मैंने सोचा है जितना 10 साल में मैंने नहीं किया है उसको मैंने अगर तीसरी बार में जो जनता हमको ये मौका दिया तो उसको मैं अपने स्तर से पूरा कोशिश करूँगी, उसको पूर्ण करूँगी, पूर्ण करूँगी। जो भी रोड हो या नाली हो या राशन कार्ड हो या शौचालय हो या आवास हो, कोशिश मेरा विधवा पेंशन हो वृद्धा पेंशन कोशिश मेरा रहेगा कि सबको पूर्ण कर सबको पूर्ण कर। तो आपने सुना कि जिस तरह से अंजू कच्छप जी हैं इन्होंने कहा कि अगर जनता हमें तीसरी बार मौका देती है तो मैं विकास ऐसा विकास करूँगा जो दो टर्म में नहीं हुआ, मैं इस टर्म यानी तीसरे टर्म में विकास करूँगा, चाहे वो राशन पेंशन प्रधानमंत्री आवास योजना शौचालय की बात हो, तालाब की बात हो, अखाड़े की बात हो या महिलाओं के उत्थान की बात हो, तमाम योजनाओं को मैं धरातल पर लाऊंगा और तीसरी टर्म में मैं कोशिश करूंगा कि हर घर जाकर जो भी उसके घर की समस्या होगी उस समस्या को सुनूंगा और उस समस्या का समाधान करूंगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, डेवलपमेंट को लेकर के आगे की क्या रणनीति है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू बड़ी हो सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।